सो हे गाइस, अगेन वेलकम टू अवर चैनल। एंड गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज का जो अपने 30 डे चैलेंज का डे है, डे 15 है। और डे 15 के दिन अपनी जो कैपिटल हो चुकी है टोटल, वो है 18,50,000, जिसमें दोस्तों 10 लाख अपनी प्राइमरी कैपिटल थी और 8.5 लाख का यहाँ पर अपना प्रॉफिट है। ठीक है, अभी दोस्तों बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। जो मैंने एनालिसिस करके वीडियो शेयर किया था रात को, थोड़ा सा लेट वीडियो शेयर किया था क्योंकि दोस्तों कल मैं कहीं बाहर गया था, थोड़ा बिजी था, तो मैं कल का जो ट्रेडिंग डे था वो भी मैंने स्किप किया था। और मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दिया था कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ। तो आज के जो लेवल्स हैं उन लेवल्स के साथ ट्रेड करेंगे। और आज के दिन कल जो फिनिफ्टी की एक्सपायरी थी तो कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम मिला नहीं। लास्ट में आपको हाफ आवर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिला, अदरवाइज कोई मोमेंटम खास था नहीं मार्केट के अंदर। बाकी आज के दिन देखेंगे क्या लॉस और क्या प्रॉफिट करते हैं और अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके अपन ट्रेड करते हैं। डे 15 है 30 डे चैलेंज का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मार्केट की प्री ओपनिंग के बारे में बात करेंगे। तो यूएस मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है कल के दिन, ज्यादा नहीं। नैसडेक और डाउ जोन्स यहाँ पर पॉजिटिव ही क्लोज हुए, ऑलमोस्ट फ्लैट। उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं बट फ्लैट यहाँ पर ओपन क्लोज हुआ है। और अपनी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 45 पॉइंट पॉजिटिव चल रही है। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ये आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग पॉसिबल हो सकती है, जो कि दोस्तों ज्यादा बड़ी गैप अप नहीं होगी, 250-300-400 पॉइंट की ऐसी गैप अप ओपनिंग नहीं होगी। बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट, निफ्टी 40-60 पॉइंट के बीच में और फिर निफ्टी 60-80 पॉइंट के बीच में हो सकती है। तो देखेंगे और अपने लेवल्स के साथ और प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अपने को ट्रेड मिलेगा तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज अपन ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस जर्नी को आप भी एक्सेप्ट कर सकते हैं 30 डे चैलेंज को। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पर मैं जो अपने ट्रेड शेयर करता हूँ वो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके वो ट्रेड आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और वीडियो को एंड तक देखिए, काफी अच्छी लर्निंग मिलेगी। और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होगी। तो यहाँ पे देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुई है। अब दोस्तों ये इस लेवल के कल के हाई के ऊपर सस्टेन होता है तो अपन बाइंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव कैंडल दिखेगी तो अपन सेल करने की कोशिश करेंगे। और पहले 5 मिनट की कैंडल में कुछ क्वांटिटी के साथ रिस्क लेना पसंद करूंगा, जो देखते हैं उसमें लॉस या बुक करते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर निफ्टी 43 पॉइंट, मैंने 40-60 पॉइंट बोला था, तो यहाँ पर देखेंगे 43-42 पॉइंट गैप अप हुई है। बैंक निफ्टी देखेंगे 71, उसके बाद फिर निफ्टी देखेंगे 32 पॉइंट यहाँ पर गैप अप हुई है। तो दोस्तों ज्यादा बड़ा गैप अप है नहीं यहाँ पर, तो कल के हाई के आसपास ओपन हुआ है मार्केट। तो दोस्तों यहाँ से अगर डाउन साइड आता है तो अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड करना प्रीफर करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। देखते हैं अपना पहला ट्रेड कहाँ पर बनता है। आज के दिन देखेंगे मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई थी निफ्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पहला ट्रेड हमने निफ्टी में बनाया था। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट डाउन साइड आया और कंटिन्यू कहीं पर भी सपोर्ट नहीं लिया, इसलिए दोस्तों इसमें मैंने यहाँ पर आज जो मॉर्निंग स्ट्रेटजी थी उससे मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया था। और दोस्तों ये ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि डेली चार्ट के ऊपर आ रही है, और दोस्तों यहाँ से सेल करने की एक पोजिशन जरूर बन सकती थी, बट दोस्तों ये कैनल थी ओपनिंग के साथ ही यहाँ पर आ चुकी थी 9 AM के पास। तो दोस्तों इसमें मेरा कोई ट्रेड नहीं बना। अगर यहाँ पर 1-2 सेकंड ही होल्ड करती तो यहाँ पर मैं ट्रेड बनाता पुट के साइड और यहाँ तक वेट करता जो 380 का जो लेवल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक हैमर कैंडल बनी थी, ये हैमर कैंडल जैसी एक बुलिश कैंडल बनी थी। इस कैंडल का हाई क्रॉस किया मैंने, हाई क्रॉस करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर पोजिशन बनाई थी 1800 क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं किया था। फिर ये सडनली डाउन साइड आया मार्केट, डाउन साइड आने के बाद फिर भी मैं वेट कर रहा था, वेट करते रहा जब तक दोस्तों यहाँ पर 60 और 70 के नीचे प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होती है। मैंने यहाँ पर वेट किया, ये ग्रीन कैंडल बनी, तब तक होल्ड किया और होल्ड किया। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पर मेरा 55,000 और 58,000 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों ये ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर नहीं किया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी रिस्की ट्रेड था और ये जो जोन था यहाँ पर देखेंगे डाउन साइड से काफ़ी अच्छी सेलिंग आई। तो दोस्तों मेरे को यूँ लगा था कि यहाँ पर आपको ये कैंडल जब बनी थी तब मेरे को यूँ लगा था कि यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये बनता हुआ आ रहा है। तो बट दोस्तों मार्केट ने इस सपोर्ट का रेस्पेक्ट किया और यहाँ से देखेंगे मार्केट अपसाइड में निकला है।
अभी देखेंगे वापस 9 AM को टेस्ट करेगा और अगर मिलेगा तो मैं आपको ये ट्रेड शेयर करूंगा। ओके वेट एंड वॉच। उस ट्रेड में मैंने यहाँ पर जो पहला ट्रेड बनाया था, मैंने यहाँ पर मैंने 55,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था और ये सेकंड ट्रेड यहाँ पर 9 AM को टेस्ट किया और यहाँ पर ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया है। अभी कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है, देखते हैं ये SL हिट होता है या फिर अपना टारगेट हिट होता है। अगर दोस्तों टारगेट हिट होता है तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है यही टारगेट है, क्योंकि दोस्तों ये डेली चार्ट की ट्रेंड लाइन है तो ये इतनी जल्दी ब्रेक होगी नहीं। यहां से आपको एक शार्प सेलिंग डाउन साइड में और देखने को मिलेगी, तो यहां पर देखेंगे ये इस लेवल के आसपास आएगा डेफिनेटली, उसके बाद दोस्तों डाउन साइड में आएगा और दोस्तों ये जब तक यहां पर आएगा अपने 10 से 12 पॉइंट 15 पॉइंट जो भी अपने ROI है उतना परसेंटेज अपने को मिल जाएगा और देखेंगे। वेट एंड वॉच मोड में है अभी, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर अपने को SL हिट होता है तो यहाँ पर SL लेके निकल जाएंगे, अगर दोस्तों प्रॉफिट निकलता है तो यहाँ पर अपन प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया है, वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने काफ़ी अच्छा बड़ा मोमेंटम दिया, अपना जो टारगेट था उस टारगेट के पास चला गया मार्केट। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होता है तभी अपन इस ट्रेड में वेट करेंगे, अदरवाइज इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर जाऊँगा। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चला था बट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 5 से 7 पॉइंट आए थे तो बुक कर लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर वेट काफ़ी ज़्यादा कर रहा था और निकला तो वन वे अपसाइड में निकला है। तो ये डे हाई के आसपास ये डे हाई भी निकाल सकता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास से वापस डाउन साइड भी आ सकता है, थोड़ा रिस्की था इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एग्जिट करवा दिया और मैंने खुद भी एग्जिट कर दिया और पर अपना टारगेट यहाँ पर हिट हुआ है। तो दोस्तों ये ट्रेड अपने को मिला है, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास जो भी मिला है वो प्रॉफिट के अंदर है तो यहाँ पर वेट एंड वॉच मोड में रहना है, अभी सेटअप बनने देंगे उसके बाद कोई ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ये ट्रेड अपना हिट हो गया जो अपना टारगेट था, अब वेट करेंगे। ओके आज के दिन जो अपना टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 50,000 प्लस का ही प्रॉफिट है आज के दिन का, क्योंकि दोस्तों ये जो आज का जो मोमेंटम मिला वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था और थोड़ा डर सा भी लग रहा था मेरे को कि ये अपसाइड में वन वे निकला है तो यहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी या फिर मार्केट अपसाइड में कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं करेगा, तो इसी रीजन से मैंने बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड किया था आज के दिन। तो 50,000 प्लस का जो मॉर्निंग का मैंने ट्रेड होल्ड किया था निफ्टी के अंदर कॉल के अंदर, जो कि दोस्तों मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था, बट वो ट्रेड मैंने मॉर्निंग के अंदर 15 मिनट की पहली कैंडल के अंदर और 5 मिनट की तीसरी कैंडल के अंदर जब 9 AM से हैमर बनी थी उसके बाद डाउन साइड में आया मार्केट और भी वेट किया 370-380 के आसपास आया और वहां से वापस अपसाइड में निकला, तब अपने को कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ से होल्ड कर सकते हैं निफ्टी को, तो वहां से होल्ड किया था मैंने और यहाँ पर कंटिन्यू 50,000 प्लस का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दूसरा ट्रेड मैंने जो ट्रेड मैंने भी लिया और आपने आपको भी लिया था, बट मेरा कोस्ट कोस्ट SL चला गया था, उसमें कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ था ज्यादा। तो आज का जो मैंने ट्रेड किया था दो ही ट्रेड किया और दोनों में 1800-1800 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड किए थे, कोई भी ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों आज क्या पता मेरे को माया माइंड सेट भी सही नहीं था या फिर किसी रीजन से मैंने ज्यादा क्वांटिटी ली नहीं थी। और यहाँ पर मेरे को भी मैंने कल एनालिसिस में बताया था कि यहाँ पर थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है या फिर मार्केट अगर मूव करेगा तो बहुत ही अच्छा मूव करेगा, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मार्केट पॉजिटिव है यानी कि वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड में मेरा माइंड सेट तो था, बट कहीं से भी अगर सेलिंग आती तो बहुत ही तेजी से आती है और यहाँ पर डाउन साइड में एक मोमेंटम मिलता, बट अब मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम दिया और अपसाइड में ही क्लोजिंग करी है। अभी एनालिसिस वाला वीडियो बनाकर आपके लिए मैं डालूंगा, तो ये वीडियो देख लिया है तो एनालिसिस वाला वीडियो भी डेफिनेटली देखिएगा। तो आज के दिन आपको भी एक ट्रेड दिया था उसमें भी अगर आपने प्रॉफिट बुक किया हो गया ऑलमोस्ट आपको 5-10% का जो प्रॉफिट होता है वो मैं जो ट्रेड देता हूँ वो लेते ही आपको मिल जाता है या फिर SL चला जाता है, बट आज का जो प्रॉफिट था दोस्तों ऑलरेडी आपको 5-10% का प्रॉफिट मिल चुका था, उसके बाद वापस आके वो कॉस्ट टू कॉस्ट अपना जो SL था वो हिट किया, उसके बाद वापस वो वन वे अपसाइड में गया और दोस्तों काफी अच्छा मोमेंटम मिला आज के दिन निफ्टी के अंदर उस ट्रेड के अंदर। और दोस्तों वो ट्रेड भी मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों लिया था, और वहां पर जो अपना जो टारगेट भी था वो छोटा ही था, मेरा स्केल्पिंग का माइंड सेट ही था, क्यों था क्योंकि वहां पर जो डेली चार्ट की जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो ट्रेंड लाइन वहां पर थी, तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया और वापस उस ट्रेड लाइन के आसपास आके क्लोजिंग मिली है 470 और 480 के नीचे ही क्लोजिंग मिली है निफ्टी की। अभी कल के दिन देखेंगे क्या होता है, कल के दिन एक्सपायरी है तो एक अच्छा जैकपॉट लग सकता है कल के दिन, तो देखेंगे डाउन साइड में लगेगा चाहे आपको अपसाइड में एक मोमेंटम मिल सकता है, ब्रेकआउट मिला है तो देखते हैं एनालिसिस वाला वीडियो।
बाकी दोस्तों इस वीडियो से आपको कोई भी लर्निंग मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों इस चैलेंज में जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ 30 डे चैलेंज के, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करने के साथ वो ट्रेड आप कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिए और लर्निंग पर्पज के लिए वो ट्रेड लीजिए। मैं कौन से लेवल पर ट्रेड ले रहा हूँ और कौन से लेवल पर एसएल बता रहा हूँ और मैं एसएल कैसे डिफाइन करके आपको देता हूँ, तो सारी चीजें आपको लर्निंग के लिए दी जाती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको लर्निंग कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कीजिए। आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।